वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास टेंथ के लिए उर्दू का सबक नंबर 2 पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की 100% तैयारी करवाऊंगी, थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। आपके सिलेबस और कोर्स के अकॉर्डिंग ही पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 2 का नाम है बेतकल्लुफ़ी और इसके मुसन्निफ़ हैं कन्हैया लाल कपूर। तो सबसे पहले हम मुसन्निफ़ का इंट्रो पढ़ेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में किसी भी शायर या फिर किसी भी मुसन्निफ़ का इंट्रो आपसे पूछा जा सकता है। सभी बच्चे इस तरफ ध्यान देंगे, ध्यान से सुनेंगे। कन्हैया लाल कपूर, इनकी पैदाइश 1910 में हुई, इनका विसाल यानी कि इंतकाल 1980 में हुआ। याद रखेंगे सभी बच्चे कि कन्हैया लाल कपूर की पैदाइश 1910 में हुई, इनका विसाल यानी कि इंतकाल 1980 में हुआ। कन्हैया लाल कपूर लाहौर में पैदा हुए, वहीं से इन्होंने आला तालीम हासिल की और अंग्रेज़ी के उस्ताद मुकर्रर हुए यानी कि अंग्रेज़ी के टीचर बन गए। हिंदुस्तान की तकसीम यानी कि बंटवारे के बाद ये हिंदुस्तान आ गए और गवर्नमेंट कॉलेज मोगा पंजाब में प्रिंसिपल के ओहदे पर फाइज हो गए या मुलाजिम हो गए। यहीं पर इनका इंतकाल हुआ। याद रखोगे कि हिंदुस्तान के बंटवारे के बाद ये हिंदुस्तान आ गए और गवर्नमेंट कॉलेज मोगा पंजाब में प्रिंसिपल के ओहदे पर मुलाजिम हो गए और यहीं पर इनका इंतकाल हुआ। 300 मज़ा इनका ख़ास मैदान है। याद रखेंगे सभी बच्चे कि कन्हैया लाल कपूर 300 मज़ा के ज़रिए अपनी बातों को लोगों को समझाते थे, जिसे पढ़कर लोगों को इबरत हासिल होती थी और कोई बुरा भी नहीं मानता था। यानी कि अपनी बात को समझाने के लिए हल्की फुल्की हंसी मजाक वाली बातों को अपने लेखों में, अपनी कहानियों के अंदर लिखा करते थे। पैरोडी लिखने में इन्हें ख़ास महारत हासिल थी। ज़िंदगी के आम तजुर्बों से मिज़ा पैदा कर लेना इनकी एक ख़ास पहचान है। याद रखेंगे कि इनके लेखों के अंदर कैसी चीज़ों को लिखा जाता था कि ज़िंदगी के आम तजुर्बों को हल्की फुल्की मज़े के अंदर यानी कि हंसी मजाक के साथ पेश किया जाता था, इनकी ख़ास पहचान थी। लोक नश्तर, बाल वापर, नरम गरम, गर्दे कारवा, नाजुक ख़यालियाँ, नए शगुफे, संग व खश्त, शीशा व तीशा और कॉमरेड शेख चिल्ली इनकी मशहूर किताबों के नाम हैं। एक बार और पढ़कर बताती हूँ। नोके नश्तर, बाल व पर, नरम गरम, गर्दे कारवा, नाजुक ख़यालियाँ, नए शगुफे, संग व खश्त, शीशा व तीशा और कॉमरेड शेख चिल्ली इनकी ख़ास मशहूर किताबों के नाम हैं, जो कि इनके ज़रिए लिखी गई थी और जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर हुई थी। अब बच्चों, मैं आपको ये सबक समझा देती हूँ। देखो बच्चों, इस सबक का नाम क्या है? बेतकल्लुफ़ी। अब सभी बच्चे जानते हैं बेतकल्लुफ़ी का मतलब क्या है, कि किसी से फ्री होकर बिना झिझक के कोई चीज़ मांगना, जैसे कि हम अपने दोस्तों के साथ बेतकल्लुफ़ रहते हैं, फ्री होकर रहते हैं। तो ये चैप्टर भी बेतकल्लुफ़ी पर है। इस चैप्टर के अंदर ये समझाया गया है कि बेतकल्लुफ़ी की वजह से ही दोस्तों को कैसी कैसी परेशानियां होती हैं। उन बेतकल्लुफ़ी में आकर एक दोस्त दूसरे दोस्त को किस किस तरह से परेशान करता है, हंसी मजाक वाले लहजे के अंदर इस कहानी को बयान किया गया है। तो यहां पर कहा गया है कि कहने को तो उस्ताद शोक फरमा गए, एन ए शोक तकल्लुफ़ में है तकलीफ सरासर। अब तकल्लुफ़ किसे कहते हैं? तो तकल्लुफ़ का मतलब होता है कि किसी के साथ खुल मिलकर ना रहना, हर चीज़ को कहते हुए झिझकना, तो इस बिहेव को तकल्लुफ़ कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि ज़ोक हैं, जो कि शायर हैं, ए ज़ोक तकल्लुफ़ में है तकलीफ़ सरासर। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि तकल्लुफ़ करने से इंसान को तकलीफ़ होती है। अगर उसे कोई चीज़ चाहिए तो वो उसको आसानी से कह दे, झिझक ना करे। इसी वजह से ज़ोक ने कहा है कि तकल्लुफ़ में तकलीफ़ होती है। लेकिन ये गौर ना फरमाए कि अगर तकल्लुफ़ में तकलीफ़ है तो बेतकल्लुफ़ी में कौन सी राहत है। अब देखो मुसन्निफ़ क्या कह रहे हैं कि अगर तकल्लुफ़ के अंदर तकलीफ़ है तो बेतकल्लुफ़ी के अंदर कौन सा आराम मिलता है, क्योंकि बेतकल्लुफ़ी के अंदर दोस्त हमसे बिल्कुल फ्री होते हैं, वो हमारे साथ बिल्कुल फ्री बिहेव करते हैं, कोई भी चीज़ आसानी से मांग लेते हैं। तजुर्बा शाहिद है, यानी कि तजुर्बा गवाह है कि वो तकल्लुफ़ भी जिसकी मेराज पहले आप हैं, बेतकल्लुफ़ी से बदरे जहां बेहतर है।
यहाँ पर क्या कहा गया है कि मेरा तजुर्बा शायर के सॉरी मुसन्निफ़ कहते हैं कि मेरा तजुर्बा गवाही देता है कि वो तकल्लुफ़ भी जिसके मेराज में पहले आप हैं बेतकल्लुफ़ी से बरतर है। यानी कि यहाँ पर मुसन्निफ़ का कहना है कि तकल्लुफ़ जो है वो ज़्यादा बेहतर रहे बेतकल्लुफ़ी की तुलना के अंदर, क्योंकि ये इनका तजुर्बा कहता है। जैसे कि तो यहाँ पर मुसन्निफ़ ने क्या कहा है कि फ़र्ज़ कीजिए आप जहन्नुम के दरवाज़े पर खड़े हैं और जहन्नुम का जो दरोगा है आपसे कहता है तशरीफ़ ले चलिए, और आप मुस्कुरा कर नहायत लजाहत से कहते हैं कि जी पहले आप, तो ऐन मुमकिन है कि आपके हुस्न व अखलाक से मरूब होकर यानी कि खुश होकर आपको जहन्नुम की बजाय जन्नत में भिजवा दे। यानी कि यहाँ पर बच्चों मुसन्निफ़ ने मजाक करते हुए कहा है कि अगर आप किसी के साथ तकल्लुफ़ बरतते हैं, यानी कि आप किसी को किसी चीज़ को लेने पर खाने पर यूँ कह देते हैं कि पहले आप, तो सामने वाला इंसान आपसे खुश हो जाता है और आपसे खुश होकर आपको और कोई दूसरी चीज़ भी पेश कर देता है। अब यहाँ पर कहा गया है कि इसके बरक्स यानी कि इसके उल्टे अगर आपके दरोगाए जन्नत से बेतकल्लुफ़ी है, यानी कि आप दरोगाए जन्नत से बेतकल्लुफ़ हैं फ्री हैं जिस तरीके से दोस्तों से फ्री होते हैं, तो हो सकता है कि हंसी मजाक के अंदर वो आपको बाग़े बहशत की किसी नहर के अंदर इतने गोते दिलवाए कि आपको छठी का दूध याद आ जाए। यानी कि बेतकल्लुफ़ दोस्त हंसी मजाक के अंदर आपको परेशान कर सकते हैं। अब बच्चों मुसन्निफ़ कहते हैं कि तकल्लुफ़ का मतलब क्या है, फ्री होकर ना रहना, यानी कि जैसे जेंटलमैन बिहेव करते हैं ऐसा बिहेव करना। तो तकल्लुफ़ का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हींग लगती है ना फिट करी और ज़ाहिरदारी जो कि तो कायम रहती है। मिसाल के तौर पर आपके घर कोई साहब तशरीफ़ लाए हैं, आप कहते हैं कुछ मंगवाऊँ आप क्या लेंगे, तो वो फरमाते हैं अजी साहब तकल्लुफ़ मत कीजिए, चाय पियेंगे शुक्रिया अभी पी है, सोडा मंगवाऊँ नहीं साहब, अब आप तो खामखा तकल्लुफ़ करते हैं शरबत पीजिएगा, वो साहब आप तो फिर तकल्लुफ़ पर उतर आए ठंडा पानी पीजिए, अच्छा साहब अगर आप इसरार करते हैं तो पी लेंगे, अब अगर नहीं हज़रत आपकी बेतकल्लुफ़ी हो तो आपको कितनी ज़हमत उठानी पड़ती है। यानी कि अब एग्ज़ाम्पल दिया गया है कि उन दोस्तों का जो आपसे बेतकल्लुफ़ होते हैं तो आपको कितनी तकलीफ़ उठानी पड़ती है। खाना खाएंगे आप? हाँ हाँ ज़रूर खाएंगे, लेकिन खाना खाने से पहले चाय पियेंगे, चाय मंगवाऊँ? ज़रूर मंगवाइए, लेकिन पहले सिगरेट पिलाइए, चाय के साथ क्या खाइएगा? अम्मा यार तुम्हें मालूम तो हो पाव भाजी या गाजर का हलवा, दो आमलेट, चार टोस्ट और छः समोसे, 10-12 क्रीम रोल, और हाँ एक आध केक हो जाता तो सुभान अल्लाह, लेकिन जल्दी कीजिए। देखा बेतकल्लुफ़ दोस्त बिल्कुल हमसे फ्री होते हैं, वो हमसे किसी भी चीज़ की डिमांड आसानी से कर देते हैं। आगे मुसन्निफ़ कहते हैं बेतकल्लुफ़ी में यूँ तो हज़ार कबाहतें हैं, लेकिन सबसे बड़ी यह है कि बासौकात यानी कि कभी कभी इसके तुफ़ैल आपको सख्त खफ़त उठानी पड़ती है। आप चंद मौजिस अशखास के साथ यानी कि आप चंद मौजिस मशहूर बड़े बड़े बावकार लोगों के साथ नहायत आलिमाना अंदाज में किसी मसले पर गुफ्तगू कर रहे हैं कि कोई साहब यानी कि आपके कोई दोस्त दरवाज़े पर इस तरह दस्तक देते हैं गोया दरवाज़ा तोड़कर ही दम लेंगे, दो एक मिनट दरवाज़ा खटखटाने के बाद बुलंद आवाज़ में चिल्लाना शुरू कर देते हैं और आपको अजीब अजीब नामों से पुकारना शुरू कर देते हैं। अबे कहाँ है दरवाज़ा खोल, अबे ना हिजार सुनता नहीं, हम कब से चिल्ला रहे हैं, अरे कोई है सब मर गए क्या। कमरे में दाखिल होते ही वो आपके अहबाब पर निगाहें गलत अंदाज से डालते हैं और नहायत मतानत से कहते हैं माफ़ कीजिएगा साहब मेरी इनसे ज़रा बेतकल्लुफ़ी है। या कभी ऐसा होता है कि आप दो बेतकल्लुफ़ दोस्तों के दरमियान कुछ इस तरह घिर जाते हैं कि ना पाए रफ्तन ना जाए मानंद, इनमें से एक दूसरे को नहायत खलीज गालियाँ देता है और आपकी तरफ अफू तलब नज़रों से देखते हुए कहता है बुरा ना मानिएगा,
दूसरा जवाब में इसी तरह की गाली देते हुए कहता है, माफ़चित माफ़ कीजिएगा, हम बहुत दिनों के बाद मिले हैं। इस माजरत के बाद गालियों का वो सिलसिला शुरू होता है कि आपको बेसाख्ता इस बेतकल्लुफ़ी की दाद देनी पड़ती है। नॉवेलों में बेतकल्लुफ़ दोस्तों की बड़ी दिलचस्प मिसालें मिलती हैं। थेकरे जो कि एक अफसाना निगार हैं, एक किरदार का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि ये साहब जिस दोस्त के पास ठहरते थे रुखसत होते वक्त, उससे एक कमीज़ ज़रूर मुस्तियार लिया करते थे, यानी कि उधार मांग लिया करते थे। हमारे एक दोस्त इस मामले में थेकरे के किरदार से भी बहुत ज़्यादा आला हैं। वो सिर्फ़ यानी कि मुसन्निफ़ कहते हैं कि थेकरे के किरदार से भी आला उनके एक दोस्त हैं, जो ना सिर्फ कमीज़ पर ही इक्तिफा यानी कि गुजारा नहीं करते, सारी पोशाक का मुतालबा करते हैं, यानी कि पूरे सूट का। अमूमन टैक्सी में सवार होकर हमारे यहाँ तशरीफ़ लाते हैं और कमरे में दाखिल होते ही फरमाते हैं, 5 रुपये का एक नोट निकालिए, ज़रा ड्राइवर को दफ़ा कर लूँ, फिर बातें करेंगे। ये हज़रत हमेशा हमारी अदम मौजूदगी में वापसी का काम करते हैं, यानी कि ये हज़रत हमेशा हमारे गैर मौजूदगी में ही अपने घर जाते हैं और विदा होते वक्त नौकर से कह जाते हैं, वो आएँ तो उनसे कह दीजिएगा कि इनका गरम कोट, खाकी टाई और काली पतलून साथ ले जा रहा हूँ, चंद दिन इस्तेमाल के बाद वापस कर दूँगा। हमारे एक और बेतकल्लुफ़ दोस्त हैं, वो जहाँ कहीं हमसे मिलते हैं मुसाफा करने की बजाय बार बार बगलगीर होकर बेतकल्लुफ़ी का इजहार करते हैं। एक बार अनारकली में उनकी मुलाकात हुई, बाज़ार के बीचों बीच उन्होंने ये अमल जो दोहराना शुरू किया तो राहगीर दांतों में उंगलियां दबाकर रह गए। हर 2 मिनट के बाद बगलगीर होकर कहते, भाई खूब मिलिए यार, हद हो गई। वो इस अंदाज से मुझे बाजुओं के शिकंजे में कस रहे थे, गोया बरसों के बाद मिले हैं। हालांकि इस मुलाकात से सिर्फ 2 दिन पहले माल रोड पर हम पहले मिल चुके थे और वहां भी उन्होंने इसी किस्म का मुजाहिरा किया था। बेतकल्लुफ़ दोस्तों की दोस्ती तो वही मिसाल है कि ए बवाले जान समझते हुए भी आप बवाले जान नहीं कह सकते हैं, यानी कि जान का बवाल समझते हुए भी बेतकल्लुफ़ दोस्तों को आप जान का बवाल नहीं कह सकते हैं। अगर उनके जी में आए तो आधी रात को आपके घर आ धमके और न सिर्फ लजीज खाने का मुतालबा करें, बल्कि कहें कि सोएंगे भी यहीं और सोएंगे भी आपके साथ। दोपहर के वक्त आप सो रहे हो तो कैंची लेकर अजराहे मजाक में आपकी दोनों मूछों का सफाया कर डालें। शिद्दत दर्द से आप करा रहे हो तो बदतमीज़ी से आपको मुँह चिढ़ाना शुरू कर दें। बाज़ औक़ात बेतकल्लुफ़ अहबाब ऐसी हरकत के मुर्तकब होते हैं कि बेसाख्ता पुकार उठते हैं, हाय तकल्लुफ़। एक दफ़ा मुझे दिल्ली जाना था, गाड़ी के आने में देर थी, प्लेटफॉर्म पर टहल रहा था, इतने में एक दोस्त से मुलाकात हो गई। पूछने लगे, कहाँ जा रहे हो? मैं दिल्ली कहने लगा। दिल्ली जाकर क्या करोगे? चलो बाटा नगर चलें। मैंने माजरत चाही, इधर उधर की बातें होती रहीं। यक लक्त उन्होंने कहा, ज़रा टिकट दिखाएँ तो। मैंने टिकट दिखाया, टिकट लेकर उन्होंने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और कुली से कहने लगे, साहब का सामान वापस ले चलो, इन्होंने दिल्ली जाने का इरादा तर्क कर दिया है। इसके आगे है, इन्हीं साहब ने एक बार उससे भी अजीब हरकत की। एक दिन में दरिया के किनारे खड़ा हुआ था, यानी कि मुसन्निफ़ कह रहे हैं कि उसी दोस्त ने जिसने मेरा टिकट फाड़ा था, इसके बाद उसने एक और अजीब हरकत की। एक दिन में दरिया के किनारे खड़ा था, ग़ुरूब आफ्ताब का मंज़र था, ना जाने आप कहाँ से आ टपके, आपने आओ देखा ना ताओ, पीछे से मुझे इस जोर से धक्का दिया कि मैं लड़खड़ाता हुआ पानी में जा गिरा। आप निहायत ढिठाई से कहका लगाकर फरमाने लगे, वह खूब छलांग लगाई आपने। जब मैं बड़ी मुश्किल से तैर कर किनारे के करीब पहुंचा तो एक कहका लगाकर कहने लगे, मुझे मालूम ना था आप इतने अच्छे तैराक भी हैं। तकल्लुफ़ के ख़िलाफ़ आप चाहे जो कहें, लेकिन आप सभी को तस्लीम करना पड़ेगा कि
तकल्लुफ़ सरासर नफासत है, यानी कि तकल्लुफ़ करने से हम फालतू की चीज़ों से बचे रहते हैं और जो बेतकल्लुफ़ी होती है उसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, पर हम अपने दोस्तों की लिहाजदारी की वजह से उनसे कुछ नहीं कह पाते हैं। तो बेतकल्लुफ़ी सरासर कसाफत है। तकल्लुफ़ पहले आप है तो बेतकल्लुफ़ी, पहले हम और जहन्नुम में जाएं आप। तकल्लुफ़ क्या होता है? गज़ भर लंबा घूंघट है, तो बेतकल्लुफ़ी गज़ भर लंबी ज़बान है। याद रखोगे कि मुसन्निफ़ ने क्या कहा है कि तकल्लुफ़ गज़ भर लंबा घूंघट है, इसमें लोग शर्म लिहाज से बातचीत करते हैं, जबकि बेतकल्लुफ़ी गज़ भर लंबी ज़बान है। तकल्लुफ़ ज़ेरे लब मुस्कुराहट है, तो बेतकल्लुफ़ी खुंदाए बेबाक है। अब अगर इस पर भी उस्ताद शौक फरमाएंगे कि तकलीफ़ में है, तकल्लुफ़ में है सरासर तकलीफ़, तो हम तो यही कहेंगे कि साहब आपका अभी बेतकल्लुफ़ दोस्तों से पाला नहीं पड़ा है। तो बच्चों पूरा ही चैप्टर मैंने आपको अच्छे से पढ़कर समझा दिया है। अब जैसा कि सभी बच्चे जानते हैं कि एग्ज़ाम में किसी भी सबक का खुलासा अपने लफ्ज़ों में लिखने के लिए आ सकता है, तो आप एग्ज़ाम में इस सबक का खुलासा किस तरीके से लिखोगे पढ़कर सुनाती हूँ। मुसन्निफ़ के नज़दीक तकल्लुफ़ अगर तकलीफ़ होती है तो बेतकल्लुफ़ी से भी कोई राहत नहीं मिलती है। सबसे पहले क्या लिखोगे कि मुसन्निफ़ के नज़दीक तकल्लुफ़ अगर तकलीफ़ होती है तो बेतकल्लुफ़ी से कौन सी राहत मिलती है। मुसन्निफ़ ने इस सबक में बेतकल्लुफ़ दोस्तों की मिसाल देते हुए बताने की कोशिश की है कि उनके बेतकल्लुफ़ दोस्तों की वजह से उन्हें बहुत परेशान होना पड़ा है। बेतकल्लुफ़ी में यूँ तो बहुत सी परेशानियां हैं, लेकिन कभी कभी इसकी वजह से शर्मिंदगी भी उठानी पड़ती है। फ़र्ज़ कीजिए आप चंद मौसिस अशखास से किसी अहम मसले पर निहायत आलिमाना बहस कर रहे हैं कि आपके बेतकल्लुफ़ दोस्त बेतहाशा दरवाज़ा खटखटाने लगते हैं और इसके साथ ही उल्टे सीधे कलमात से आपको नवाजने लगते हैं, और फिर वो दोस्त माजरत करते हुए आपकी तरफ इशारा करते हैं कि ज़रा मेरी इनसे बेतकल्लुफ़ी है। मुसन्निफ़ कहते हैं कि या कभी ऐसा होता है कि आप तो बेतकल्लुफ़ दोस्तों के बीच फंस जाते हैं और दोनों की गालियों की बोझा शुरू हो जाती है, तो आपको जान पर छुड़ानी मुश्किल हो जाती है। बेतकल्लुफ़ी से तरह तरह की परेशानियां होती हैं। बेतकल्लुफ़ दोस्त आपसे कपड़े तक उधार ले जाते हैं, आते ही ढेर सारे नाश्ते की फरमाइश कर देते हैं, किराया भी आपसे ही दिलवाते हैं। आखिर में मुसन्निफ़ ज़ोक का शेर लिखते हुए कहते हैं कि तकल्लुफ़ करने में अगर तकलीफ़ होती है इसलिए हमें हरगिज़ तकल्लुफ़ नहीं करना चाहिए। बच्चों मैंने थोड़ी सी लाइन चेंज की है, तो आप एंड में क्या लिखोगे कि आखिर में मुसन्निफ़ ज़ोक का शेर लिखते हुए कहते हैं कि तकल्लुफ़ करने में अगर तकलीफ़ होती है तो तकल्लुफ़ी से कौन सी राहत मिलती है, यानी कि बेतकल्लुफ़ी से परेशानियां होती हैं। ठीक बच्चों, लास्ट में चेंजिंग करेंगे कि आखिर में मुसन्निफ़ शोक का शेर लिखते हुए कहते हैं कि तकल्लुफ़ करने में तकलीफ़ होती है तो बेतकल्लुफ़ी से कौन सी राहत मिलती है। अब मैं सभी बच्चों को एक बात और बताना चाहती हूँ कि अगर किसी भी बच्चे को स्टेशनरी के ख़ास ख़ास प्रोडक्ट्स चाहिए, जैसे कि ऑटोमेटिक शॉर्पनर, ख़ास तरीके के पेन जो कि आम दुकानों पर नहीं मिलते हैं, अगर आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं या अपने लिए यूनिक चीज़ें ख़रीदना चाहते हैं, तो मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूँगी, आप वहाँ से ले लेना। और बच्चों इसके अलावा एक बच्चों की ख़ास सेफ्टी बेल्ट आती है जो कि आम दुकानों पर नहीं मिलती है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डालूँगी। जैसे कि आप अपने छोटे भाई बहनों को कहीं साथ लेकर जाते हैं तो आप उस सेफ्टी बेल्ट को उसके हाथ में बांधकर अपने साथ ले सकते हैं, इससे आप मतलब खुदा ना खास्ता आपके भाई बहन भीड़ में भी आपसे अलग नहीं होंगे जो कि छोटे होते हैं। तो बच्चों मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, आप वहाँ से जाकर अगर ख़रीदेंगे तो आपको उस पर डिस्काउंट भी मिलेगा और वो आपको ऑफलाइन कहीं पर भी नहीं मिलेंगी, सिर्फ ये चीज़ें ऑनलाइन ही अवेलेबल हैं। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं, ध्यान से सुनेंगे। बेतकल्लुफ़ी से क्या परेशानी होती है? जवाब होगा बेतकल्लुफ़ी से तरह तरह की परेशानियाँ होती हैं। बेतकल्लुफ़ दोस्त
आपसे कपड़े उधार ले जाते हैं, आते ही ढेर सारे नाश्ते की फरमाइश करते हैं, किराया भी आपसे ही दिलवाते हैं, दूसरे लोगों के सामने आपसे बेतकल्लुफ़ी से बात करते हैं, जिस पर आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। थेकरे जो कि एक मुसन्निफ़ हैं, तो थेकरे ने अपने एक किरदार की बेतकल्लुफ़ी का जिक्र किस तरह किया है। थेकरे ने अपने एक किरदार की बेतकल्लुफ़ी का जिक्र इस तरह किया है कि ये साहब जिस वक्त दोस्त के पास ठहरते हैं, रुखसत होते वक्त उससे एक कमीज़ ज़रूर उधार लिया करते थे। अगला सवाल है, ए ज़ोक तकलीफ़ में है तकल्लुफ़ ज़रा ज़र, इस मिसरे में शायर क्या कहना चाहते हैं? तो इस मिसरे में शायर कह रहा है कि तकल्लुफ़ करने में तकलीफ़ होती है, इसलिए हमें हरगिज़ तकल्लुफ़ नहीं करना चाहिए। याद रखोगे कि तकल्लुफ़ करने में तकलीफ़ होती है, इसी वजह से हमें हरगिज़ तकल्लुफ़ नहीं करना चाहिए। अब है बच्चों, अगला सवाल है मुहावरों का जुमलों में इस्तेमाल। हींग लगे ना फिट करे, तो अखबार फरोश का काम ऐसा है जैसे कि हींग लगे ना फिट करे और रंग चोखा। छठी का दूध याद आना, इतने जूते मारूंगा कि छठी का दूध याद आ जाएगा। दांतों में उंगलियां दबाना, उसके अजीब व गरीब करतब देखकर लोग दांतों में उंगलियां दबा लेते हैं। अगला सवाल है, यहाँ पर आपको वाहिद से जमा और जमा से वाहिद बनाना है। तो देखो, इनमें से आपको छाँट कर लिखना है, हाथ क्या है वाहिद, तो वाहिद वाले में लिख देंगे। निशानात क्या है जमा, तो जमा वाले में लिख देंगे। जूती क्या है, जूती है सिंगल चीज़, तो वाहिद में लिख देंगे। टोपियाँ क्या है, एक से ज़्यादा है, तो इसको हम जमा वाली उसमें लिखेंगे फहरिस्त में। फ़र्ज क्या है, एक है फ़र्ज, फ़र्ज की जमा क्योंकि फ़राइज़ होती है, तो इसे यहाँ पर हम वाहिद वाली कैटेगरी में लिखेंगे और इसकी जमा लिख देंगे फ़राइज़। ऐसे ही एहसानात क्या है, जमा है, तो एहसानात की जमा होती है, एहसानात का वाहिद होता है एहसान, जो कि मैं लिखना भूल गई हूँ तो यहाँ पर लिख देती हूँ एहसान। इसी तरीके से सवाल, सवाल क्या है, वाहिद है, इसकी जमा होगी सवालात। ऐसे ही जंगल का जंगलात, जवाब का जवाबात और मंजिल का मंजिले। अगला सवाल है, ज़माने के लिहाज से आपको फ़ेल की किस्में बतानी हैं। तो बच्चों, ज़माने के एतबार से फ़ेल की तीन किस्में होती हैं, ज़मानाए माजी, ज़मानाए हाल और ज़मानाए मुस्तकबिल। ज़मानाए माजी का मतलब होता है पास्ट, यानी कि वो काम जो गुज़रे हुए ज़माने में किया गया था। ऐसे ज़माने को ज़मानाए माजी कहते हैं, जैसे कि वे कल आगरा गया था। इसी तरह ज़मानाए हाल का मतलब है जो काम मौजूदा यानी कि प्रेजेंट ज़माने में किया जा रहा हो, उसे ज़मानाए हाल कहते हैं, जैसे कि मैं खाना खा रहा हूँ। ज़मानाए मुस्तकबिल यानी कि फ्यूचर टेंस, जो काम आने वाले वक्त के अंदर किया जाएगा, उसे ज़मानाए मुस्तकबिल कहते हैं, जैसे कि मैं कल बाहर जाऊँगा। आखिरी सवाल है, इस सबक के जिन जुमलों में आपको हंसी आती हो, उन्हें अपनी कॉपी में लिखना है। तो इस सबक के मंदरजा ज़ैल जुमलों पर हमें हंसी आई है। पहला जुमला है, अगर आपकी दरोगा जन्नत से दोस्ती है तो हो सकता है कि वो आपको मजाक में बाग़ बहशत की किसी नहर में इतने गोते लगवाए कि आपको छठी का दूध याद आ जाए। दूसरा जुमला है, ये हजरत हमेशा हमारी अदम यानी कि गैर मौजूदगी में वापसी का काम करते हैं और विदा होते वक्त नौकर से कह जाते हैं कि वे आए तो उन्हें कह दीजिएगा कि मैं उनका गरम कोट, खाकी टाई और काली पतलून साथ ले जा रहा हूँ, चंद दिन इस्तेमाल के बाद वापस कर दूँगा।